क्वेश्चन नंबर 127 देखो, ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती, सपोज करो चीनी का मूल्य 100 रुपये है, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है और ना पता हो तो फिर 100 ही मानते हैं। उसने कहा चीनी के मूल्य में 120% की वृद्धि हो जाती, तो वृद्धि होने के बाद जितना भी होगा वो 20% ज़्यादा होगा, पर पहले तो रेट पता हो, अब इसमें कहीं पहला रेट है नहीं तो 100 मानेंगे। सपोज करो पहले रेट 100 रुपये था, कितने रुपये था, और रेट में कितने की वृद्धि होने की बात कर रहा है वो 20% की, कितने की बात कर रहा है 20% होने की बात कर रहा है ये हमसे, ठीक है। अगर 100 है और 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, और वृद्धि के लिए जोड़ते हैं, वृद्धि के लिए क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो कंडीशन ये है, पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था और अब कितना हो गया है 120, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उससे आगे क्या बोला गया है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है। देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन है। सपोज करो पहले आपके घर में एक सप्ताह में 100 रुपये की चीनी लगती थी, कितने रुपये की लगती थी, अब आज रेट बढ़ गए तो जितने रुपये की चीनी, पहले जितनी चीनी 100 रुपये की आती थी ना, आज उतनी चीनी 120 रुपये की आ रही है, कितने रुपये की आ रही है 120 रुपये की आ रही है। पर आपने क्या कहा कि नहीं मैं इतना खर्च नहीं करूँगा, मैं केवल इतना खर्च कर सकता हूँ कि जितना मैं पहले खर्च कर रहा था उससे 8% ज़्यादा, तो पहले मैं कितने रुपये की चीनी यूज कर रहा था 100 रुपये की, पर आज ही महंगाई होने की वजह से वो चीनी जितने की 100 की आती थी आज वो 120 की आएगी, पर हमारे पास इतना है नहीं, हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 108 रुपये के खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 100 की जगह आप 100 का 8% 108, पर रेट तो 120 है, रेट कितना है 120, आज रेट बढ़ चुके हैं, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा, सीधा सीधा उस पर पहुँच जाओ आप। ये कह रहा है उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जिस दिन चैप्टर शुरू करा उस दिन ने समझा दिया था, कमी परसेंट बूझे या वृद्धि परसेंट बूझे, अंतर बटे उल्टा, अंतर बटे उल्टे का मतलब अगर कमी परसेंट बूझता तो उन दोनों में से बड़ा वाला, और वृद्धि परसेंट बूझता तो उन दोनों में से छोटा वाला बटे के नीचे आएगा, ऊपर अंतर ही आता है, ऊपर क्या आता है, तो इनमें अंतर कितने का है, हाँ अच्छा कमी परसेंट बूझ रहा है ना, तो कमी परसेंट में बटे में बड़ा वाला आएगा और वृद्धि परसेंट में बटे में छोटा वाला, बस ये याद रखना अंतर बटे उल्टा। तो इनमें बड़ा कौन है 120, अच्छा 12 बटे 120 का मतलब तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 कितने परसेंट होता है 10% होता है। अगर किसी को याद नहीं है कि 1/10 10% होता है, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 10 से 100 10 बार कैंसिल हो जाएगा, या इसे याद करो 1/10 कितने परसेंट होता है 10% होता है, कितने परसेंट होता है 10%, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 128 में क्या है, इसमें बोला गया यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती, सपोज करो पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, कितने रुपये था, और वो कह रहा है कि 17% की वृद्धि हो जाए, तो 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही होता है, तो 100 का 17% वृद्धि हो जाए, तो अब रेट 117 हो जाए, ठीक। तो ये कह रहा कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 7% की वृद्धि करना चाहता, वो कहता मैं नहीं वहन कर सकता इतना, मैं ज़्यादा ज़्यादा 7% ज़्यादा कर सकता हूँ, तो पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे तो 100 का 7% 7 होगा, तो ये 107 हो जाएगा, पर रेट अब 117 है, बस ये देख लो कमी बूझ रहा है या वृद्धि। तो कह रहा खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी पूछ, कौन सा क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ कमी तो पूछ रहे हैं कि उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो अंतर बटे बड़ा, कमी में बटे में कौन आएगा, बड़ा ही आ जाएगा, तो इनमें अंतर कितने का बोलो जल्दी से, और बड़ा कौन है 117 है, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं। अब तुम कहोगे यहाँ तो कर ही नहीं तुमने गुणा, हाँ क्योंकि यहाँ वो ये डिजिट हम तुम्हें पहले ही लिखा चुके हैं, जो खास खास परसेंटेज थी वो पहले दिन ही लिखा दी थी, जो ज़्यादा यूज होती हैं तो वो हमें याद होती हैं, हमने नहीं लिखा रखी तुम्हें 10/17 कितने परसेंट होता है, तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 117 किसके पहाड़े में आता है, तेहरे के में, तेहरे निम्न में 117 होता, अब या तो ये 3 से कटेगा या तेहरे से या 9 से, तो ऊपर तो कोई ऐसा है ही नहीं कटने वाला, तो अब तो इसे तुमने भाग करनी होगी जैसे तुम छोटी छोटी क्लासों में करते थे, तो इसको 100 को तो यहाँ ले लो आप, 1000/117 हो जाएगा, 1000/117 हो जाएगा, ये बटे में 117, अब इसको आपको इससे भाग करना होगा, है ना, है याद है? क्यों भाई, चलो तो 1000 भी करते सीधा, है ना, तो कितनी बार करें, 8 या 9, 8 बार हासिल भी लगेंगे ना, 8 7 56 को 6 तो 5, 8 और 5 13 तो 1, और 8 ही 8 और 1 9, तो 10 में से 6 गए तो 4, और 9 में से 3 गए तो 6, और 9 में से 9 गए, बस इतना ही बचेगा, है ना, आगे तो कुछ बच ना पाएगा ना, तो दशमलव लगा लो, क्या लगा लो, दशमलव लगा लो। अब ये देखो ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन है 8 दशमलव वाला या 100 से ज़्यादा है,
एक से ज़्यादा है तो फिर और करना पड़ेगा अभी, तो अगर एक ही होता तो फिर वही हमारा आंसर हो जाता, फिर वही हमारा क्या हो जाता। तो चलो कर लो, अब ये 640 आ रहा है तो कितनी बार कर सकते हैं, पांच बार कर सकते हैं, पर पांच पे भी ज़्यादा नहीं होने का, हो जाएगा पांच बार करो, पांच सत्ते 35 को पांच तो तीन, और पांच ही कम पांच और तीन आठ, और पांच ही कम पांच, तो दस में से पांच गए तो पांच, तेरह में से आठ गए पांच ही हो जाएंगे, तो पांच ही बचा हमारा, दशमलव लगी हुई है उतार लिया जीरो, तो अब ये 550 हो गया। हाँ एक बार और चेक कर लो, हाँ यहीं छोड़ रखा है, चलो तो 8.5%। अब ये आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना एक बार आप पढ़ के देख लो, सारे यही हैं जो दो क्वेश्चन मैंने करे हैं, क्वेश्चन नंबर 136 तक जल्दी जल्दी से एक बार चेक कर लो, 136 तक सब यही है बिल्कुल। तो ये पुरानी वाली किताब में नहीं था ये वाला क्वेश्चन, ये इस तरह का है, इस वाली किताब में आया है ये, तो नया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, इसमें कोई दिक्कत ना है, बस यहाँ इधर बढ़ा लेते हैं और कोई समस्या इसमें है नहीं, बढ़ जाएं आगे 136 तक उसी कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है। अब विविध वाले क्वेश्चनों पे आ जाओ, तो विविध में आप आ जाएंगे 137वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। देखो 137 क्वेश्चन पेपरों में आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में भी, इसने ये कहा है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। आप देखो ध्यान से सुनो, जिस दिन चैप्टर शुरू कर रहा था उस दिन मैंने कहा था बस तीन क्या दो तरह से परसेंटेज निकलती हैं, अंतर बटे उल्टा या है बटे का, छोटा परसेंट, अधिक परसेंट, बड़ा परसेंट, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, सब कुछ इनके लिए क्या बताया था, अंतर बटे उल्टा, अंतर बटे, और अगर ना कमी बूझ रहा ना वृद्धि बूझ रहा ना ज़्यादा ना थोड़ा, इनमें से कुछ भी ना बूझ रहा हो, बस ऐसी परसेंटेज बूझ रहा हो तो है बटे का, है बटे। तो इसमें देखो 137 में कमी परसेंट बूझ रहा या वृद्धि परसेंट, 137 में बताओ क्या पूछ रहा है, क्यों भाई, अरे पढ़ो देख नहीं रहा, हाँ ना कमी पूछ रहा ना वृद्धि पूछ रहा, ना कमी पूछ रहा ना, तो ये फिर है और कहाँ से होगा, किससे होगा, अभी है और कहाँ से होगा, तो वो तुम्हें पहले लिखा रखा है बटे का या सा, है ना, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देख लो, इसने कहा 36 मिनट एक दिन का किसके साथ लग रहा, दिन के लिए, तो जिसके साथ का लग रहा उसे नीचे लिखेंगे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और दूसरा समय जो है वो मिनट में है। अब देखो दूसरा समय जिसके साथ है लग रहा है वो मिनट में है, तो या तो इसके घंटे बनाओ या इसके मिनट बनाओ, तो इसके मिनट बना लेते हैं, तो घंटे के मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा करनी पड़ेगी, 60 से क्या करनी पड़ेगी, तो ये हमने कर ली 60 से गुणा, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते ही हैं, ये मैथ का बेसिक पॉइंट है। बस अब यहाँ से आगे तो कैलकुलेशन रहेगी हमारी, यहाँ से आगे क्या रह जाएगी, कैलकुलेशन रह जाएगी। तो पहले तो ये जीरो आप कैंसिल कर लो एक, और छः से इसको छः बार आप कैंसिल कर लो, और छः से इसको कर लो चार बार, तो 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 5/2, 10/4 का मतलब 5/2, और मतलब ढाई, मतलब तो 2.5%, 2.5%। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना आप दोनों, हो सकता है तुम्हें आएगा ये क्वेश्चन। इससे आगे चलो 138, इसमें क्या है, यदि ए का ए परसेंट, ए का माने होता गुणा, ए परसेंट कितना है, 196 है, तो ए का मान क्या, जो है होता है या है, तो उसको बराबर से उधर लिखते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, और ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 100, बटे में कितना जाएगा, और बराबर में कितना है, 196, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 196 के बाद में दो जीरो लग जाएंगे, तो वो तुमसे ए का मान पूछ रहा है, और अगर इधर से स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाले का रूट लेते हैं, ये मैथ का रूल है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 196 किसका रूट है, 14 का होता है 196 रूट, और वर्गमूल में या रूट में जीरो आधी हो जाती हैं, तो जीरो कितनी हो जाती हैं, आधी, तो 140 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 139 पे, क्वेश्चन नंबर 139वें पे आ जाएंगे आप, 139 में क्या है, 26 किस संख्या का 0.4% है, उसने ये कहा कि 26 जो है किस संख्या का, हमने कहा कि x का 0.4% है, x का 0.4% है, ठीक है। तो हमसे बस x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वो खुद ही कह रहा था कि 26 किस संख्या का 0.4% है, हमने कहा x का है, तो बस यहाँ से कैलकुलेशन कर दो आप, ठीक। तो 26 बराबर x गुणा 0.4/100, ठीक है। अब पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक है।
ठीक, चार से इसे कैंसिल कर दो, तो चार से 125 बार कैंसिल होता है तो जीरो हो जाएगी। अब 250 की इधर गुणा कर दो तो बस x की वैल्यू आ जाएगी, तो एक जीरो तो ये लो, और 25 छिक्का होता 150, तो हासिल 15, 150 को जीरो आ जाएगा, हासिल 15, और 25 दूनी 50 में 15 जोड़ दो, हाँ तो 6500 आपका आंसर बन जाएगा 139 का। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 140 पे, बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है 140 में। 140 है 8100 के, 8100 के माने गुणा होता है 75%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा के, हाँ 64%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, बस इसका मान पूछ रहा, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है हमें, और क्या करना है इसमें, ये कह रहा है इसका मान बता दो बस ऐसे ही, तो दो जीरो तो आप ये वाली ऐसे ख़त्म कर लो, और 25 दिया 75 और 25 चौका, और चार से ये 16 वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अब तीन की अलग गुणा कर लो पहले आप, तो तीन एकम तीन और तीन अट्ठे 24 और गुना 16, ठीक है, अब 16 दिया कितने होते हैं 48, तो हासिल 4 हो गए, ठीक है, और 16 चौका 64 और 4 कितने हो जाएंगे, तो हासिल 6, और 16 दूनी 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38 है ऑप्शन, 38 88, तो इसमें कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन हमको करनी थी मात्र इसमें। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाएंगे, आप किस पे आ जाएंगे, 141 पे आ जाएंगे। इसमें क्या बोला गया है, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो ये याद रखने वाली बात है, वर्ग की जितनी भुजा को बढ़ाते परिमाप भी उतने ही परसेंट बढ़ता है। अब देखो तुम्हें प्रूफ करके दिखाते हैं, और जो याद रख सकते हो तो रख लेना, जितने परसेंट भुजा में वृद्धि करते हैं उतने ही परसेंट वर्ग का परिमाप भी बढ़ता है। कैसे, कुछ भुजा मान लो जो तुम्हारा मन करे, अब परसेंटेज है तो कम से कम जीरो जरूर होनी चाहिए लास्ट में, तो 10 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं हमने भुजा उसकी 10 मान ली। अब परिमाप निकालो आप, जरा क्या निकालेंगे हम, परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा 4 गुणा, तो परिमाप 40 हो गया। अब वो कितने परसेंट बढ़ा रहा भुजा, अच्छा हमने आपको बताया किसी का 20 30 40 50 60 कुछ भी निकालना हो 10 निकालो 10%, और उतने की गुणा कर दो, अगर 20 निकालना है तो 10 निकाल के दोगुना कर दो, 30 निकालना 10 निकाल के तिगुना कर दो, तो जिसका भी 10% निकालना हो उसकी लास्ट की जीरो हटाते हैं, उसकी लास्ट की क्या हटा देते हैं, तो इसका 10% निकालना है क्योंकि इसका हमें 20% चाहिए, तो 10 निकाल के डबल कर देंगे, 10 निकाल के क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो इसका 10% तो एक हो गया, जब 10% एक है तो 20% दो हो गया, तो 20% अगर वृद्धि करनी है तो दो बढ़ जाएगी भुजा, कितनी बढ़ जाएगी, तो भुजा इसकी हो जाएगी 12, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब इसका परिमाप निकालो आप, दिख जाएगा भाई, क्यों रे, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो अब देखो कितने की वृद्धि हो रही है 8 के, अब देखो वृद्धि परसेंट अंतर बटे उल्टा, मतलब अंतर बटे छोटा, तो 8 बटे 40 8 बटे, इन दोनों में छोटा तो 40 है, वृद्धि में बटे में छोटा आता है, कमी में बटे में बड़ा आता है, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो 8 बटे 40, हाँ तो 1/5, और 1/5 कितना होता है 20% होता है, देखो भुजा में भी तो 20% की वृद्धि करी थी उसने, भुजा में भी कितने की वृद्धि करी थी, तो ये बात मैंने तुम्हें बस प्रूफ करके दिखाई है, अगर तुम एग्जाम तक इस बात को याद रख सकते हो तो इसको मत करना ऐसे, कि जितने परसेंट की भुजा में वृद्धि होती है ना वर्ग के, उसके परिमाप में भी उतने ही परसेंट की वृद्धि होती है, केवल ये वर्ग के लिए बता रहा हूँ मैं फिलहाल आपको, है ना, तो कर लो नोट। चलो भाई कर दिया शुरू, 142 में क्या है, x का 90% बराबर y का 40%, x का कामाने तो गुणा ही होता है, 90% बराबर y का 40%, ऐसे तुम्हें देके फिर किसी एक वैल्यू और दे रखी है ऐसे ही, फिर आगे ये बोल रहा है y बराबर x का a परसेंट है तो a का मान बताओ, तो a का मान बुझ रहा है तो x और y को ख़त्म करना पड़ेगा, तो उनकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तो उनकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो पहले तो कैंसिल कर लो, पहले क्या कर लो आप इसको कैंसिल कर लो, तो जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा 9 बराबर y गुणा 4, और जब संख्या बराबर में हो और तुम्हें वैल्यू चाहिए तो अनुपात में लेके जाना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी चैप्टर, ठीक है, और अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ये आपको शॉर्टकट बता ही रखा है, तो x अनुपात y क्या हो जाएगा यहाँ से 4:9। अब जो इसने कहा है दूसरा वाला वाक्य आप उसको ले लो, इसने क्या कहा है इसमें, इसने कहा है y बराबर x का a परसेंट, y बराबर x का
परसेंट, तो परसेंट हटाने के लिए तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा। अब देखो y की वैल्यू कितनी है 9 और x की वैल्यू कितनी है 4 गुणा a बटे 100, a बटे, अब 4 से ये कितनी बार हो जाएगा 25 बार, अब 25 निम्मा कितने होते हैं 225 हो जाते हैं, है किसी को याद, फिर तो सही है। कम से कम 25 का पाढ़ा तो याद करो, ये बहुत आता है कैलकुलेशन में, है ना 25 का। इससे आगे बढ़ जाओ, 143 पे आ जाओ, 143 देखो, अरे यार इसे चेक कर लेना भाई, चेक कर ले इसे सही, 143 देखो इसने क्या कहा है, एक्स का 15%, एक्स का कितने परसेंट 15%, ध्यान से सुनना, वाई के 10% का तिगना है, वाई के 10% का क्या है, अब मुझे बताओ तिगना ये है या ये है, जल्दी बोलो ये तिगना है, और क्वेश्चन तब तक नहीं होते मैथ के जब तक बराबर ना कर लें, हाँ तो ये तिगना है, मतलब ये कंडीशन है ये हाँ, तो ये बराबर कैसे होगा, किधर करूँ 3 की गुणा, इधर 3 से गुणा करूँ जब तो बराबर होगा, इधर 3 से गुणा करूँ तो तभी तो ये होगा 3 बराबर 3, तभी तो ये 3 बराबर 3 होगा ना, तो ये गुणा करनी भी ना आती है, बहुत बहुत दिन हो जाए कोचिंग करते करते, गुणा करनी किधर है, समझ गए ना। उसने कहा x का 15% y के 10% का तिगना है, तो ये तिगना है तो उसमें 3 से कर दो, वो उसके बराबर हो जाएगा, और जब तक बराबर नहीं होगा तब तक तो क्वेश्चन ना होने का ना हमारा। बस अब तुमसे x और y का अनुपात पूछ रहा है वो, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, ठीक है, और 5 से ये 3 बार और 5 से ये 2 बार, ठीक है, और 3 से 3 भी, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, जिधर कुछ ना बचे उधर 1 मान लो गुणा में, ठीक है, और 5 गुणा 2, अब तो y गुणा 2, अब तुमसे x और y का अनुपात पूछ रहा ना ये, तो x अनुपात y, हाँ बाद वाला और पहले वाला, बस हो गया क्वेश्चन हमारा, x और y का अनुपात पूछ रहा, बस इसमें ये देखना था कि 3 से गुणा किधर करनी है, 3 से गुणा किधर करनी है हमें। अब 144 पे आ जाओ आप, क्वेश्चन नंबर 144, 144 में क्या है, इसने कहा x y से 5 गुना लंबा है, x जो है वो y से 5 गुना लंबा है। अब ध्यान से सुनो, ये किताब नहीं मान रही उस बात को, कभी तुम एग्जाम में फंस सकते हो, अगर मैं ये कहूँ x y का 5 गुना है तो तब भी तो यही लिखा जाता, x y का 5 गुना तब भी तो यही लिखा जाता, लंबे का मतलब अधिक होता है, तो अगर ऐसे आंसर ना आएगा ना, तो y हमने एक माना और एक का 5 गुना तो 5 ही होगा, और लंबे का मतलब अधिक से होता है, तो 5 को 1 में जोड़ेंगे तो ये कंडीशन बनेगी, ये 1:6 कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन तो तब बननी चाहिए जब यूं कहे एक्स वाई का 5 गुना है, एक्स वाई का कितने गुणा है 5 गुना है, तो सीधा सीधा ये, पर उसने ये थोड़ी ना कह रखा, उसने ये कह रखा एक्स वाई का 5 गुना लंबा है, एक्स वाई से 5 गुणा क्या है लंबा है, ठीक है, पर उसने इसी के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है, 5 और 1 के अकॉर्डिंग ही, ठीक, तो हो सकता है एग्जाम में कभी वो चेक करने लग जाए आपको, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है वो, उसने ये कहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, अब ये मत देखो एक्स वाई मत देखो, बस सीधा सीधा टारगेट कम ही परसेंट पूछ रहा, अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे बड़ा, तो अंतर कितने का 4 का, बड़ा कौन है 5, अब 4/5 कितने परसेंट होता है 80% होता है, अब जिसको याद नहीं है परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करो, हाँ तो 5 से 120 बार कटेगा और 20 चौक 80, तो 80% आंसर आ जाएगा इसका, कितने परसेंट आंसर आ जाएगा 80% इसका आंसर आ जाएगा। 145 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 145, ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, 145वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, गुणा करनी तो 13/11 से थी, हाँ ध्यान से देख लेना ये आ जाता पेपर में, और उसने कर कितने से दी 11/13 से, किस में संख्या में, संख्या तो है ही नहीं यहाँ, अरे संख्या थोड़ी है, तो मानना पड़ेगा, अब हमने तुम्हें ये सिखाया है अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो और तुम्हें मानना हो तो सो मानो, तो इसमें तो परसेंटेज है ही ना, अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या हो तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानो, नीचे वाली संख्याओं का क्या मानना चाहिए एलसीएम मानना चाहिए, तो बटे में एक तो 11 है और एक जगह 13 है, तो 11 और 13 का एलसीएम आ जाएगा 143, तो हमने अपने मन में ये संख्या मान ली 143, कितनी संख्या मान ली 143 मान ली, अब देखो इसको कितने से गुणा करनी थी, अरे कितने से करनी थी गुणा, हाँ
इसको गुणा करनी थी 13/11 से। अगर ये सच में कर देता, इसका दिमाग सही होता, यही होता, तो ये अगर सच में कर देता तो आंसर कितना आता? इससे से करो भाग तो 13 आएगा, और 13 की 13 में गुणा करो 169। पर इसने कितने से गुणा कर दी? 11/13 से कर दी। कितने से कर दी? अब इससे ये 11 बार कटेगा है, और 11 की 11 में गुणा करोगे आप तो 121 आएगा। कितना आएगा? 121। अब तुमसे कह रहा त्रुटि परसेंट बताओ, तो त्रुटि माने होता है गलती, त्रुटि का मतलब क्या होता है? अब देखो गलती परसेंट कैसे निकलता है, गलती बटे सही, इतना याद रखना बस तुम्हें। जब भी कहीं तुमने गलती परसेंट निकालना हो तो गलती बटे सही है। अब गलती क्या है? जो इनका अंतर है वो गलती है, जो इनका अंतर है वो तो है गलती, और सही तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। जितने से गुणा करने को कह रहा था, तो बताओ इतने से कह रहा था या इतने से कह रहा था? 13/11 से कह रहा था, तो बटे में ही आएगा। और गलती जो इनका अंतर है, अरे रख लोगे याद, गलती बटे सही निकालते त्रुटि परसेंट, ठीक है। तो अंतर कितने का है? 9 में से 1 गया, 6 में से 2 गया, और सही कौन है? 169। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी टफ है, पॉइंटों वॉइंटों में आ जाएगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आ जाएगी, ये उड़ता रहेगा हवा चल रही ऐसी, ये नहीं रुके हो। अब देखो 169 तो केवल 13 से कट सकता है, 13 से ही तो कट सकता है बस, 13 का वर्ग ये 169। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, तो देखो यहाँ कोई और नहीं है जो 13 से कट जाए, तो इसका एक ही इलाज है, बस भाग कर लो जैसे करते हैं छोटी वाली क्लासों में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा? और बटे में हो जाएगा 169, बटे में कितना हो जाएगा? 169। अब 169 से इसको भाग कर लो, ठीक है, करें, चलो करवा देता हूँ, कर लोगे यार? आंसर बताओ तो, हाँ 28.4, चलो ठीक है, बस भाग ही तो करनी है भाई, भाग कर लेना। मेन चीज क्या है कि गलती त्रुटि परसेंट निकालते कैसे हैं, गलती बटे सही, और गलती क्या होती है? अंतर, उनका जो अंतर है वही गलती है, ठीक है। 146 पे आ जाएंगे आप लोग, ये 2-3 क्वेश्चन अब यहाँ जो, अच्छा 146 तो बिल्कुल उसके जैसा ही है ना, या तो यूँ कहो 145 भी समझ में नहीं आया, या 46 भी तुम्हें करना अब, ठीक है, 45 के जैसा ही है। अब आ जाओ आप 147 पे, कौन से पे? 147 पे। अब 147 में क्या है? 147। देखो थोड़ी सी कंडीशन बनानी पड़ेगी इसमें हमें, इसने ये कहा है ए बी के 20% के बराबर है, ए जो है ए बी के कितने परसेंट के बराबर है? 20% के बराबर। अब बताओ 20% कितना होता है? अरे बटे में 100 आ जाएगा, तो 20 बन जाए 100, तो 1/5 लिख दो, डायरेक्ट लिख दो 1/5, हाँ 1/5 लिख दिया मैंने। अगर कोई गुणा की संख्या इधर है उसे इधर ले आए तो वो बटे में आता है, तो नेक्स्ट लाइन में ये ए बटे बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बटे बी बराबर कितना? 1/5। और बटे का मतलब अनुपात भी होता है, बटे का मतलब अनुपात भी होता है, तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो ए अनुपात बी बराबर 1:5, 1:5 भी आप इसको लिख सकते हो। ऐसी एक कंडीशन बी और सी के लिए दे रखी है, बी और सी के लिए। अब देखो क्या है वो कंडीशन, इसने बोला आगे बी सी के 25% के बराबर है, बी जो है वो सी के 25% के बराबर है, तो 25/100, 25 चौका 100, तो 1/4, तो डायरेक्ट लिख दूं बी अनुपात सी बराबर 1:4, एक लाइन बच जाएगी हमारी भाई, ये सी के बटे में जाएगा ना, तो बी बटे सी हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, तो उसका मतलब अनुपात का ही होता है, तो बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा? 1:4, 1:1। अब ये टोटल पर्सन है 3, ए बी सी, और ये 2 जगह लिख रहे हैं, कितनी जगह लिख रहे हैं? अब देखो इसने आगे क्या जिक्र किया या क्या आपसे पूछना चाह रहा, ये कह रहा सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, तो सी और ए में रिलेशन बूझ रहा, सी और ए एक साथ है ही ना, तो पहले इन्हें एक साथ लगा लो। अब ये लगाने सिखाए थे जब तुम्हें अनुपात समानुपात पढ़ाया था, उस समय अगर कोई बच्चा नहीं है तो ध्यान से देखो, अगर 2 जगह अनुपात हो और उसको 1 जगह लगाना हो, तो पहले तो उन्हें आप आराम से लिख लो, जल्दी भी लिख सकते हो क्यों भाई हाँ, पर एक साथ लिख लो सही से, हाँ 1:4। उसके बाद क्या करना होता है, ये एक सा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? और बहुत सारे तरीके उल्टा आने भी बना देते हैं, पर ये तरीका सब में लगता है, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो सब में लगेगा, इसलिए हम उसको बताते नहीं उल्टे एन को, ठीक है। अगर ये एक सा है तो पहले वाले अनुपात को लिखो, ठीक, और दूसरे वाले को इसके नीचे एक स्थान आगे, एक स्थान, ये सब में लगता, अगर एक एक दो और भी होते ना वो भी ऐसी होता फिर, और फिर क्या करते हैं जगह भरते हैं और गुणा करते हैं, जगह भरते हैं और
तो जगह जो संख्या वही भरेगी, जो है वही भरेगी, ठीक है। वो बस ऐसे गुणा कर देते हैं, एक ही कम एक, पाँच ही कम और पाँच चौक। अच्छा ये अनुपात किस किस का आता, जो ऐसे यहाँ लिखे होते तीन, ये तो ये ए बी सी आ गया, कौन आ गया। अब ये किस किस में रिलेशन पूछ रहा है ये देख लो, ए और सी में पूछ रहा। बस यहाँ तुम्हें ये देखना कि नीचे कौन लिखा जाएगा और ऊपर कौन, क्योंकि कमी या वृद्धि तो बूझ नहीं रही है उसका, तो बिल्कुल सीधा सा तरीका है अंतर बटे उल्टा। इसने कहा सी का, किसका, सी का कितना प्रतिशत, तो सी का परसेंटेज बूझ रहा है, तो जिसका परसेंटेज बूझेगा ये आपसे उसको आप ऊपर लिखेंगे। सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, पर है बटे का होता है बटे, तो सी के साथ का लग रहा है, सी के साथ क्या लग रहा है, तो एक बटे बीस लिखा जाएगा, ये एक बटे बीस सी का, तो सी की वैल्यू बीस है, सी की वैल्यू क्या है, ये एक ही, ये भी कितना तुम्हें पता होगा, तो एक बटे बीस कितना, और एक बटे बीस कितने परसेंट होता है, पाँच परसेंट, तो 5% आंसर आ जाएगा इसका, करो नोट। 148 बिल्कुल आसान है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, क्यू से 25% अधिक है, तो जिससे कम या अधिक होता है उसको 100 मानते हैं अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो, तो 100 हो जाएगा, एक 125 हो जाएगा, और आगे कह रहा है कमी परसेंट, तो अंतर बटे छोटा, तो अंतर तो 25 का उल्टा बोल दिया, कमी परसेंट बुझ रहा ना, तो अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे कमी परसेंट में बटे में बड़ा आता है, तो 25 बटे 125 और 25 पंजे 125, 1 बटे 5 तो कितना हो जाएगा 20%, और 149 जैसा मैंने तुम्हें करवा दिया। अब ये जो 150वां क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 150, इसने कहा एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत की कीमत का 40% क्या होगा। पूरा ही खींच दिया ये क्वेश्चन, हाँ। अब अगर हम 100 मानते हैं, 4 साल का क्वेश्चन है, कितने साल का क्वेश्चन है, तो इसका पॉइंट लग जाएंगे, इसमें क्या लग जाएंगे, ये बात मैं तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज में बताऊंगा जो इस क्वेश्चन में बतानी पड़ रही है। ये 20% है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है, तो इसका और कोई सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, 1/5 से कम थोड़ी कर सकते हैं, इसको कैंसिल नहीं होगा, तो नीचे वाली संख्या पर उतनी घात चढ़ा के मान लो जितने साल का क्वेश्चन है, तो 4 साल का क्वेश्चन है, कितने साल का क्वेश्चन है, तो 5 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 की 4 बार गुणा, तो 5 की 2 बार करो 25, और फिर उधर 2 बार करो तो 25 की 25 में करो, तो 625, तो 625 मान के देख लो एक बार इसको, कितना मान के देख लो, 625, तो 625 माना हमने, कितना माना 625। अब इसमें पहले साल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 20%, तो इसका 20% निकालो आप, कितने परसेंट निकालो, अब 20% कितना होता है, 1/5, 1/5, तो 5 से जब आप इसे भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2 5 5 25, तो इसका 20% 125 आएगा, कितना आएगा 125 आ जाएगा, और वृद्धि है तो जोड़ दो, तो जुड़ के ये कितना हो गया, 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, और 6 और 1 7, तो ये पहले साल की बात है, कौन से साल की बात है, अब दूसरे साल फिर इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका 10% 75, क्योंकि जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की 0 हटा दो, तो 20% 75 का डबल 150, 75 का डबल कितना हो जाएगा, तो 150 आप इसमें जोड़ दो, तो 0 0 7 और 1 8 और 1, ये बात होगी दूसरे साल की, ठीक है। तीसरे साल भी 20% की वृद्धि है, तो इसका 10% 90, तो 20% 180 डबल कर दो, कितना कर दो डबल, तो 180 हमने इसमें जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 8 9 और 1 10, तो ये तीसरे साल की बात है। अब चौथे साल भी तो 20% हो जाएगा, तो 10% 108, 0 हटानी होती है, तो 20% डबल, 8 का डबल 16, 10 का 20, हाँ, तो कितना लिखूँ, 216 लिख दिया हमने, ये लीजिएगा। अब 6 8 और 1 9, 2 और 12 96, तो ये चौथे साल की बात है। अब उसने जो हमें वैल्यू दी है ना, किन्हीं 2 सालों का अंतर दिया, वो देखो कौन से 2 सालों का अंतर दिया उसने हमें, कौन सा क्वेश्चन था ये, 150 था, उसने कहा है तीसरे और चौथे वर्ष का अंतर दिया उसने, तो ये रहा, मैंने इसी वजह से ये नंबर लिखे थे, तो अंतर देख लो कितने का, तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा तो यही होगा, सीधी सी बात है, तो 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 में से 8 गए तो 1, और 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, हाँ सही घटा रहा हूँ क्या मैं, तो 216 अंतर है, कितने का अंतर है, और उसके हिसाब से कितने का अंतर है, 259.20,
हाँ इसका ही है ना। अब बराबर रखने के बाद क्या करते हैं, एक निकालते हैं, क्या करते हैं, और एक कैसे निकालते हैं, जो इधर होता है उससे भाग कर लेते हैं, उससे क्या कर लेते हैं भाग। अब अगर ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा तो ठीक, वरना इसे उठा के इसके नीचे रख देते, वही एक कहलाता है। ठीक है, तो हमें तो कंडीशन ना दिख रही, आप उठाओ और यहाँ रख दो, तो ये तो एक हो गया। उसके बाद जो तुम्हें निकालना वो निकालो। तो किस साल की बात कर रहा है, कौन से साल की वैल्यू पूछ रहा है, हाँ दूसरे साल की, तो दूसरा साल तो ये रहा, तो 900 की वैल्यू निकाल दो, तो गुणा 900। हाँ अब भी नहीं रुका ये, यूँ करा दूसरे साल का भी 40% बताओ, दूसरे साल का भी क्या बताओ, हाँ अब ये कम नहीं तो तुम भी कम नहीं, यही कर दो तुम भी 40%। अब जो होगा पहले सारे को बिखेर ही लो, बाद में सुंगा लेना। संख्या उन नहीं ऐसी दे रखी अजीब अजीब से, कैंसिल नहीं हो रही, यही कर लेते हैं। अब जो जिससे जैसे जैसे हिसाब बने तुम्हारा, ऐसे ऐसे कर लो, 2 जीरो तो ये गई, ठीक है इसे हटा दो, और इस जीरो से ये पॉइंट गया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट अगर लगा हो तो लास्ट में जो जीरो होती है उनको आप हटा सकते हो, लास्ट वाली को, बीच वाली को नहीं हटा सकते। अब ये 9 से कैंसिल हो जाएगा क्या, 6 और 1 7 और 2 9 हो जाएगा, संख्या के अंकों का योग 9 से कैंसिल, तो संख्या भी होती है 9 से कैंसिल, तो 9 दूनी 18 बचे कितने, 3 9 चौक 36। अब 4 से ये 6 बार, अब 6 से करो, 6 चौक 24, बचा कितना, 1 हो गया 19, 6 3 18 बचा, 1 6 2 12 है 432। हाँ ये इतना कम भी इस वजह से हो गया है, ये जो मैंने तुम्हें ये पॉइंट बताया, ये पॉइंट मैं तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज में बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं बच्चे, उन्हें ये पॉइंट नहीं पता होता है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई वैल्यू माननी हो और उसमें परसेंटेज दे रखी हो तो उस परसेंटेज को भिन्न में बदल लो। ये जब का ना, जब कई साल का क्वेश्चन, जैसे ये 4 साल का था, वरना तो आज तो चैप्टर खत्म होने वाला, अब तक तो बताई ना मैंने ये बात, अब ये क्वेश्चन इसने दे दिया जब तो बतानी पड़ रही है। तो जब 4 ज़्यादा साल का क्वेश्चन था, इसलिए देखो कहीं भी पॉइंट लगा क्या, वो इसकी वजह से नहीं लगा जो हमने माना था, वरना तो तुम अभी एक्स से करके देख लो, यहीं पॉइंट लग जाएगा दूसरे साल में। ठीक है, तो पॉइंट से बचना है तो ऐसे करना है, हमने 20% यूँ ही निकाल लिया, बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ हुई थी और यहाँ भी कहाँ हुई थी, हो गया आराम से, बेशक संख्याएं बड़ी बड़ी आपकी हो। तो सिखाना क्या है, जो परसेंटेज दे रही हो उसे भिन्न में बदल लो, बदल लिया, और वो कैंसिल हो सकता हो तो कर लो, तो अब ये नहीं होने का कैंसिल, फिर नीचे वाली संख्या पे उतनी घात चढ़ा के मानना चाहिए जितने साल का क्वेश्चन है। तो ये 4 साल का क्वेश्चन है, तो 5 की घात 4 का मतलब 625 है, तो ये तरीके हैं मानने के। ठीक है, तो इस वजह से दशमलव नहीं लगाया आप। 151 पे आ जाओ, अब जिसको ये बात समझ में आई अच्छी बात, जिसको ना आई वो एक आध हफ्ते रुक जाओ, फिर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा वहाँ समझा देंगे अच्छे से, समझ गए ना। इससे आगे चलो, 151 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 151। 151 में क्या है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता, ह्रास माने कमी, यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा, 2 वर्ष बाद होगा आज से, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो सपोज करो मेज का मूल्य आज 100 रुपये है और हर साल ये 20% घटेगा, तो 2 साल की बात है, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, और घटा दो तो कितना हो गया 80, फिर अगले साल भी 20% घटेगा तो इसका 20% 16, क्योंकि 10% 8 और 20 निकालना तो डबल कर दो जो 10 निकाल रखा है, तो 16 हो जाएगा, तो घटा दो कितना लिखूं 64 चलिएगा, तो 2 साल बाद हमारे हिसाब से उस मेज का मूल्य तो 64 रुपये होगा, जबकि किताब वाला क्या कह रहा है 32,000, कितना 32,000 कह रहा है ना, तो ये किताब वाले के हिसाब से 2 साल बाद उस मेज का मूल्य है, ये हमारे हिसाब से 2 साल बाद उस मेज का मूल्य है, बराबर रखने के बाद एक निकालते हैं, तो निकाल लो, तो 32 इससे कितनी बार कट सकता है ये इतना, हाँ 5 चौक 20 की 0 और 5 कहाँ कट रहा है, कुछ और बताओ, 5 चौक 30 32 कट गए, तो कितना कटा 500, कितना 500 कट गया, कितना कट गया। अब एक निकालने के बाद जो तुमसे बूझे, तो वो बूझ रहा होगा उसका मूल्य वर्तमान, वर्तमान ही बूझ रहा है, तो हमने वर्तमान कितना माना था 100 माना था, तो 100 से गुणा कर दो। अब इन क्वेश्चनों को आज भी फॉर्मूले से कर रहे जा रहे हैं, कौन से वाले से पता या नहीं, कौन से वाले से, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। हाँ बस जब ये फॉर्मूला लग जाता है तो पेज भरना पक्का है, फिर भरेगा पेज, फिर पूरा भरेगा। ठीक है, फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, आगे आ जाओ, 152 पे आ जाओ, 152 थोड़ी सी बड़ी रहेगी आज तुम्हारी क्लास मैथ की, अब ये बदौलत आज सैटरडे है ना, इस वजह से, क्योंकि मंडे में कोशिश होती है नया चैप्टर चले।
152 पे आ जाओ, ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, तो ये तो आसान है, तीन है ए बी सी, ए बी और सी, तो सबसे बाद में किसका जिक्र हो रहा है, बी सी से, तो सी का जिक्र हो रहा है, तो सी को 100 मान लो, सी को कितना मान लो, और बी जो है वो सी से कितना है 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगा। और ए और बी में देखो अब क्या है, ए और बी में ए बी से 20% अधिक है, तो इसका 20% निकाल के जोड़ दो, देखो बिल्कुल आसान, 10% 12.5 है, जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की जीरो हटाते, अगर जीरो ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगाते, तो इसका 10% 12.5 हो गया, तो 20% 25 हो गया, डबल कर दो तो 25 जोड़ दो इसमें, तो 150। अब इन्हें तुम कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये सब 25 से कैंसिल हो रहे हैं, और यूं ही परसेंटेज निकालना चाहो तो यूं ही निकाल दो। देखो क्या पूछ रहा है, सी ए से कितने प्रतिशत कम है, क्यों भाई हम तो चक्कर में लगे रहते, कम या वृद्धि बूझे बस ये, क्योंकि हमें तो सीधा अंतर बटे उल्टा करना, फिर ना हमें ये देखना ये किसकी बात कर रहा किसकी ना कर रहा, बस अंतर बटे उल्टा, किस किस के लिए बूझा इसने, सी और ए में है ना, तो अंतर बटे उल्टा, कम ही बूझ रहा है तो बटे में बड़ा वाला आएगा, बटे में कौन आएगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 150, तो 1/3 33.33 या 33 से ही 1/3, ठीक है 1/3 या 33.33% या 33 से ही 1/3%। इससे आगे आ जाओ, 153 ए का 26% बराबर इतना, तो ए के 31% का मान कितना होगा, बताओ एमटीएस में बूझ रखा है, इतना आसान क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं है, अगर तुम इकाई मेथड से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ए का कामाने गुणा होता है, 26% कितना है 832 है, कितना है, तो तुमसे ही कह रहा ए का 31% बताओ, देखो अगर इकाई मेथड से पढ़ रहे हो तुम्हें ए के 26% की वैल्यू पता है, अब तुमसे कह रहा ए के 31% की वैल्यू बताओ, तो जहाँ 26 है बस वहाँ 31 लाना तुम्हें, अब किसी की जगह किसी को लाना तो उसे हटा के तो लाओगे, वरना उनमें झगड़ा ना हो जाएगा, अगर तुम्हें किसी की जगह किसी और को लाना है तो उसे हटाओगे या नहीं हटाओगे या उसी के सामने ले आओगे, तो पहले तो इसे हटाओ, अब हटाने के रास्ते होते हैं, गुणा वाला भाग में जाता है, गुणा वाला कहाँ जाता है, तो पहले तो इसे आराम से भाग में पहुँचा दो आप, तो ए बराबर 832/26 हाँ पहुँच गया, अब जब ये वहाँ पहुँच गया जिसको लाना लेके आ जाओ, तो 31% लाना, तो दोनों तरफ 31 से गुणा कर दो, दोनों तरफ कितने से गुणा कर दो, अब तुम चाहो तो यहीं कर लो, क्या दिक्कत है, ये लो बस इसको अब सोल्व कर लो, आप इसको क्या कर लो आप, अब 26 का पहाड़ा तो हमें पता याद नहीं होगा, पर 13 का तो होगा भाई, 13 × 26, अब जब ये 13 से कट रहा तो ये भी कट रहा होगा, 13 छिंग कितने होते हैं, 26 से तो काट लेंगे, सबका ध्यान रखना पड़ता ना, 13 छिंग 78, तो कितने बचे 5 हो गए, 52 समझ गए ना, हाँ तो 13 छिंग 78 कितने बचे 5 हो गए, 52 13 चौका 52 और 13 × 26, अब 2 से फिर 32 बार, बस अब 32 के 31 की तो गुणा कम से कम करेंगे हम, कितना 992, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमटीएस में आ रहा, बताओ अब जो वैसे कर रहे हैं बिना इकाई मेथड के पढ़ रहे हैं वो पता नहीं कैसे कैसे करेंगे, तुम्हारे लिए तो सिंपल है, उसकी वैल्यू निकाल देनी है आपको, नोट करो 154, देखो ध्यान से बात बंद करो, ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है, डी ए के 25%, यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंड कर दिया इसने, ये भी नहीं पूछा कितने परसेंट बताना है या कैसे बताना है, तो इसने बड़ा अजीब सा ये क्वेश्चन कर दिया, तो इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आप ऐसे करो, ए और बी हैं, ए और बी, इसने ये कहा ए बी से 20% कम है, ए जो है बी से कितने परसेंट कम है, 20% कम है, तो ये कंडीशन बन जाएगी, जिससे कम या अधिक होता है उसको 100 मानते, आगे बोला इसने जबकि सी डी से 20% अधिक है, फिर आगे पढ़ो और, यदि डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से कितना कम है 25% कम है, तो 80 का 25% कितना होता है, जिसका भी 25% निकालना हो उसको 4 से भाग करते हैं, तो 20 हो जाएगा, 80 का 25% कितना होगा, तो 20 घटा दो इसमें से आप, तो ये तो हो गया डी आपका, अब देखो सी और डी में रिलेशन दे रखा है, सी और डी में सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से कितना अधिक है 20% अधिक है, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा 12, 30 है, 20 ही है, सी डी से 20% ही है, 20% अधिक है, तो इसका 20% तो 12 हो जाएगा,
तो 12 जोड़ दो आप, तो ये कितना हो गया। अब देखो हमें ये सब मिल गए, ये तो सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, सबकी वैल्यू मिल गई हमें इनकी। अब देखो इसने क्या कहा, ये कह रहा बताओ निम्न में से कौन सा सही है। अब जैसे पहला ही ऑप्शन है, अब देखो कैसे आप कैसे पता लगाओगे कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है बी बराबर 0.72 सी, हाँ तो सारे ऑप्शन बी और सी में है, सारे ऑप्शन किस में है, आप चाहो तो इन्हें लिख सकते हो सारों को पहले सी और डी। तो सी कितना है 72 है, सी कितना है और डी कितना है, डी कितना है 60 है, 60 है, हाँ 60 ले लीजिए, सारे लिख लिए हमने। अब इसने सारे ऑप्शन बी और सी में दे रखे हैं, तो बी कितना है 100 है और सी कितना है 72 है, तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू निकाल के देख लो वही आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो ध्यान से सुनो, बीच में कोई निशान ना तो क्या होता है, तो गुणा वाले को इधर लाएं तो कहाँ आता है भाग में, तो यहाँ से एक कंडीशन बनेगी बी बटे सी और यहाँ से एक कंडीशन बनेगी 72/100, 72/ ये इसका मान और ये इसका मान, तो यहाँ सी का मान तो 100 है जबकि सी का मान तो 72 है और बी का मान 100 है, तो उल्ट जो वैल्यू हमारे पास वास्तव में है उसका ये उल्टा नहीं है, तो जो इस ऑप्शन का उल्टा वही आंसर, चेक करो। फोर्थ में देखो क्या है, फोर्थ में क्या है उल्टा है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। सी बराबर इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है सी बराबर 154 0.72 बी, ठीक है, तो वो ये इसके बटे में आएगा, तो सी बटे बी बराबर 72/100 पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में जीरो आ जाएगी, तो ये सी का मान और ये बी का मान, तो हमारे हिसाब से सी 72 है और देखो यहाँ भी 72 है और देखो यहाँ 200 है यहाँ भी है, तो ये आंसर है, ऐसे पकड़ोगे आप इसको, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा सा कर दिया मैंने, वैसे ही वैल्यू जो निकाली है तो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। आगे आ जाओ 155, अब 155 इसके जैसा ही है, 154 के जैसा ही, और 156 में देखो कैलकुलेशन है बिल्कुल, 1440 × 30/100 × 12/100 बस कैलकुलेशन है। 157 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 157, अब 157 में क्या है, इसने कहा यदि 120 को x परसेंट कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x परसेंट बढ़ाने पर। 120 को कितने परसेंट कम कर रहा है ये, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 120 को 10% कम करता तो मैं यहाँ क्या लिखता, अरे बोलो, अगर मैं 120 को 10% कम करता तो यहाँ यही तो लिखता 90%, हाँ तो 90% कैसे आया, 100 - 10, अरे तभी तो 90% आएगा, तो जितने परसेंट कम करना होता उतना 100 में से घटा के लिखते हैं, तो ये 120 को कितने परसेंट कम कर रहा है, तो आप लिखोगे 100 - x, 100 माइनस, और इसने ये कहा है 120 को x परसेंट कम करने पर उतना ही परिणाम आएगा जितना किसको 40 को x परसेंट बढ़ाने पर आएगा, 40 को x परसेंट बढ़ाने पर आएगा, ये इसने कहा ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमें ना x की वैल्यू मिल जाएगी, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये जो बाहर की परसेंटेज है दोनों कैंसिल, ठीक है, क्योंकि बटे में 100 आएगा, अब ये 40 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार, अंदर गुणा कर लो 300 - 3x, और उधर कितना हो जाएगा 100 + x, ठीक है, ये माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3x और 1x, तो उधर कितने x हो गए 4x, और ये 100 इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा 200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, x बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है वैसे, ये अच्छा छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये CGL का क्वेश्चन है, तब 210 का x परसेंट 180 के x प्लस 20% के कितने परसेंट कम है, तो तुम पहले तो 210 का x परसेंट निकाल के रख लो, 210 का कितना निकाल लो x परसेंट हटाने को बटे में 100, तो 1/2, ठीक है, इससे ये दो बार कैंसिल, अब 2 से कर लो, तो 2 ही कम 2 और 2 5 10, तो ये तो पहला वाली वैल्यू आ गई है। अब देखो कोमा लग के फिर क्या कह रहा है, 180 के एक वैल्यू तो ये है, 180 के एक्स प्लस 20, तो एक्स तो 50 है, तो 50 और 20 70%, तो इसको सोल्व कर लो आप, 18 7 है, किसी को याद 18 7 126, कितने होते हैं 126, एक वैल्यू ये आ गई, तो इनमें बूझ रहा वो आपस में कमी या अधिक परसेंट से कितने प्रतिशत कम है, तो अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे
बड़ा आ जाएगा। तो इनमें अंतर कितने का है? 21 का। बड़ा कौन है? तो 126 तो कट जाएगा 21 से, कितनी बार? 6 बार। तो 1/6 कितना होता? मैंने जिस दिन चैप्टर शुरू करा उस दिन ही लिखवाया होगा, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3। अब उसने ऐसे ना दे रखा होगा तो 3 से इसे भाग करोगे तो 0.66 आ रहा होगा। हाँ, ऐसे ही दे रखा है तो ऐसे होगा। ये आपका क्वेश्चन कर लो नोट।